लॉकडाउन में कई पेशेवर अपराधियों ने अपराध तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसका तरीका जरूर बदल लिया। ऐसा ही खुलासा हुआ सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के निवास चौकी इलाके की पुलिस कार्रवाई में। पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत सरई थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी के नेतृत्व में निवास चौकी प्रभारी सूरज सिंह ने सदल बल के साथ निवास नगरी क्षेत्र मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर बड़ी मात्रा में अवैध गांजे के साथ इस गोरख धंधे को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। SDOP आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि अवैध गांजे के बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जहां मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए 10 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही बिना नंबर वाली बाइक भी जब्त की गई है। बिना नंबर वाली बाइक समेत गांजे की कीमत 2,00,000 रुपए बताई गई है। तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि अवैध मादक पदार्थों गांजा एवं कोरेक्स मुक्त कार्रवाई करना है। मुझे विगत 2-3 दिनों से लगातार एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि छत्तीसगढ़ से कुछ गांजे की खेप लाकर सराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत विक्रय किया जा रहा है। उक्त संबंध में मैंने तुरंत चौकी प्रभारी को निर्देशित करके 6 व्यक्तियों की एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद 2 अगस्त की शाम को टीम बना दी गई और इनको तुरंत निर्देशित किया गया कि जनकपुर मार्ग से गांजा लेकर ये लोग सराई क्षेत्र में आते हैं और इनका मेन विक्रय क्षेत्र महुआ गांव या करवाही गांव है। इसके बाद टीम सक्रियता के साथ लगी और एक नीले कलर की अपाचे इन्होंने महुआ गांव को पकड़ा। इसके 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चंद्रमणि साहू इससे और एक व्यक्ति महेंद्र साहू और एक आनंद सिंह गोड़, तीनों करवाही गाँव के रहने वाले हैं। चंद्रमणि साहू के पास बाइक में से 9 किलो गांजा उसके हाथ से जब्त किया गया एवं महेंद्र साहू के हाथ से 1 किलो गांजा की खेप जब्त की गई और आरोपी आनंद सिंह गोड़ बाइक चला रहा था। इनकी घेराबंदी करके पकड़ी गई और तुरंत कार्रवाई कर इनकी गिरफ्तारी की गई और न्यायालय मान्य न्यायालय में पेश किया गया। उक्त संबंध में उप निरीक्षक सूरज सिंह चौकी प्रभारी निवास, सहायक उप निरीक्षक RB वर्मा, सहायक उप निरीक्षक JP वर्मा, प्रधान आरक्षक रवि गोस्वामी, प्रधान आरक्षक दीप नारायण, आरक्षक पुष्पराज और आरक्षक प्रभात, इन लोगों की उल्लेखनीय भूमिका रही और इन निर्देशों का सतत पालन किया और सफलता प्राप्त।